नमस्कार, मैं नीति सैन। प्रशांत बिहार थाना पुलिस की टीम ने दो ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो हथियार के बल पर राहगीरों के साथ लूट व डकैती की वारदातों को अंजाम दिया करते थे, जिसके चलते प्रशांत बिहार थाना पुलिस की टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के पास से धारदार हथियार भी बरामद किया गया है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। प्रशांत बिहार थाना पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने पेट्रोलिंग के दौरान इलाके से दो ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो धारदार हथियार के बल पर राहगीरों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से तलाशी के दौरान दो धारदार चाकू भी बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ आरोपियों के पास से एक स्कूटी भी बरामद की गई है। बता दें, आरोपी रात के अंधेरे में अपने शिकार की तलाश में निकले थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी के चलते दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान करण व अमित के रूप में हुई है। आरोपियों पर पहले भी कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। बहरहाल, गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया गया है। दिल्ली से नीति सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।